गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैं टू डायमेंशनल मोशन स्टार्ट किया था, आज मैं उसको आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। जो कुछ भी मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ कॉम्पिटिशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कुछ भी आप आज पढ़ोगे वो हर कॉम्पिटिशन में कुछ न कुछ पूछा गया है। जेई एडवांस, जेई मेन और नीट यूजी, सभी कॉम्पिटिशन्स में कुछ न कुछ कभी न कभी पूछा हुआ है। जब आप 45-50 साल का कंसल्ट पेपर सॉल्व करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। तो आई होप आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करोगे। थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा होगा, आप घबराना नहीं, मैं धीरे धीरे समझाऊँगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सीरियस रहना होगा और आपको समझ में ज़रूर आएगा। ये क्वेश्चन है, इन द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इन द ऑप्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस द प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी इज गिवन एज वाई इक्वल्स एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स देन डिड्यूस दैट मैक्सिमम हाइट एच इक्वल्स ए स्क्वायर बाई फोर बी रेंज आर इक्वल्स ए बाई बी टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल्स ए इंटू अंडर रूट टू बाई पी जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंपोनेंट्स वी एक्स अंडर रूट जी बाई टू बी वी वाई अंडर रूट जी बाई टू बी विद इन ब्रैकेट ए माइनस टू बी एक्स द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स ए द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यू इक्वल्स अंडर रूट जी बाई टू बी इंटू वन प्लस ए स्क्वायर स्लोप ऑफ प्रोजेक्टरी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स ए माइनस टू बी एक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रोजेक्टरी रो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वन प्लस ए माइनस टू बी एक्स स्क्वायर एंड होल रेस टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन टू बी। बच्चों, ये जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं ये सब अपने आप में क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी 45-50 सालों में हर कंपटीशन में पूछा गया है। तो वैसे तो आप चाहो तो इसको रट के काम कर लो, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। स्पेशली जेई एडवांस में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, तो जो उस बच्चे को डेरिवेशनल टेक्निक पता होती है वो उसको थोड़ा इधर उधर करके डिराइव कर ले जाता है। इसलिए मैं आपको डेरिवेशन सिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ फार्मूले रटने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये सभी फार्मूले का मैं डेरिवेशन आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये कैसे डिराइव होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाउ कम टू द सॉल्यूशन, रिफर टू द फॉलोइंग डायग्राम। ये स्टैंडर्ड डायग्राम है जो हम लोग पिछले टर्न पे भी डिस्कस करे थे। किसी प्रोजेक्टाइल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट करा है विथ वेलोसिटी यू, पैराबोलिक कर्व को फॉलो करता हुआ वो एक्स एक्सिस को दोबारा हिट करता है एट पॉइंट एस, कोऑर्डिनेट्स आर आर कॉमा जीरो, वेयर आर इज हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल एच इज मैक्सिमम हाइट, कैपिटल टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यू इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ यू, यू वाई वाई कंपोनेंट ऑफ यू। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम हाइट पर टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है क्योंकि वो तो टेंजेंशियल ही होगी। टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इस पॉइंट पे क्या होता है? जीरो हो जाता है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ओरिजिन पे कितना है? यू वाई। इन द मीन टाइम क्या होता है कि वाई कंपोनेंट लगातार डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है थोड़ी देर में पता चलेगा। और वाई कंपोनेंट घटते 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 यहाँ पे आके जीरो हो जाता है। उसके बाद जब ट्रैजेक्टरी इधर को जाती है तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फिर बढ़ने लगता है डाउनवर्ड। थोड़ा यहाँ इंक्रीज होगा, थोड़ा यहाँ इंक्रीज होगा, थोड़ा यहाँ इंक्रीज होगा और एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचने पर वाई कंपोनेंट उतना ही हो जाता है जितना शुरू में था, आई मीन यू वाई। सिर्फ यू वाई का डायरेक्शन इन्वर्टेड हो जाता है, इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू यू वाई हो जाता है। अब आपको बताना है कि एक्स कंपोनेंट का क्या होता है। इस पूरे प्रोसेस में अभी मैं करके दिखाने जा रहा हूँ कि एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो होता है। वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को चेंज करने के लिए
एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट बना रहेगा। तो जब मैक्सिमम हाइट पर वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाता है तो भी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे बचा रहता है यू एक्स। किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर भी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा और वो हमेशा यू एक्स के बराबर होगा। मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये जो वी एक्स होता है ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है और इसकी वैल्यू इनिशियल यू एक्स के हमेशा बराबर होता है। लेकिन यू वाई क्या होता है? यू वाई ऊपर जाने पर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है, थोड़ा डिक्रीज हुआ यहाँ के जीरो हो जाता है, फिर वो पलट जाता है, फिर वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड होने लगता है, उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ने लगता है, थोड़ा यहाँ पे बढ़ गया और स्टार्टिंग पॉइंट पे आते आते वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड तो रहता है, ये मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल टू यू वाई दोबारा से हो जाता है। इन वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट शुरू से लास्ट तक कांस्टेंट रहता है इक्वल टू यू एक्स। इस डायग्राम से हम लोग फैमिलियर हैं और इस डायग्राम में ये जो ट्रैजेक्टरी है शोन बाय रेड कलर, इसका इक्वेशन हम लोग ये डिराइव कर चुके हैं। मगर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन गिवन है। गिवन होने का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, बाकी कुछ नहीं पता है। तो हमें जितने फॉर्मूले डिराइव करने हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड जी, यही मेरा क्वेश्चन है। मेरे क्वेश्चन में ए गिवन है, बी गिवन है, जी का वैल्यू गिवन है, सारे फार्मूले डिराइव करने होंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड जी। चलिए बच्चों हम लोग करते हैं। देखो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का प्रिंसिपल होता है स्टैकिंग पॉइंट एस कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा जीरो इज सिचुएटेड ऑन द ट्रैजेक्टरी कर्व, हेंस इट्स कोऑर्डिनेट्स विल सैटिस्फाई द इक्वेशन टू द कर्व। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में बच्चों आप पढ़े हो कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे सिचुएटेड है तो कर्व के इक्वेशन को ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करने चाहिए। आई मीन इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की जगह प्यार रख सकता हूँ और वो सेटिस्फाई होगा। ट्रैजेक्टरी का ये इक्वेशन दिया हुआ है। बच्चों वाई की जगह पे आप क्या रखने जा रहे हो? सॉरी, वाई की जगह पे आप जीरो रखोगे और एक्स की जगह पे कैपिटल आर लिखोगे। तो वाई को यहाँ पे जीरो लिख दो और एक्स की जगह पे कैपिटल आर लिख दो। कैपिटल आर कॉमन ले लो इक्वल टू जीरो। कैपिटल आर तो जीरो नहीं हो सकता, इस ब्रैकेट को जीरो होना पड़ेगा और जब इस ब्रैकेट को जीरो करते हो तो आर की वैल्यू मिलती है ए अपॉन बी। आई मीन हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आपने डिराइव कर लिया ए बाई बी। इस फार्मूले को लर्न कर लोगे तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा। डन। y equals x minus bx square given as the slope of the curve that is dy by dx, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसकी जगह पे a आता है और इसकी जगह पे 2bx आता है। तो dy by dx का ये जनरल फार्मूला हो गया स्लोप ऑफ द कर्व से इक्वेशन नंबर वन। यू कैन से दिस इज स्लोप ऑफ द ट्रैजेक्टरी डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स ए माइनस टू बी एक्स, हेंस प्रूव्ड। एट द मैक्सिमम हाइट पोजिशन एक्स कॉमा एच द स्लोप ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज जीरो। मैक्सिमम हाइट पे जो टेंजेंट बनाए हो वो हॉरिजॉन्टल बनाए हो। देखो डायग्राम बता रहा है कि अगर टेंजेंट यहाँ पे ड्रा करोगे तो डेफिनेटली वो हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आने का मतलब थीटा जीरो होगा और उसका स्लोप टैन थीटा टैन जीरो जीरो होगा।
मीन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्रेजूम करे एक्स कमा एच, मान के चलो कि एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हें नहीं पता बट वाई कोऑर्डिनेट कैपिटल एच शो करे पड़े। अब इसको कैसे यूज करने जा रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स का ये जनरल फार्मूला है, मैक्सिमम हाइट का ये कोऑर्डिनेट है, मैक्सिमम हाइट पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है, यहाँ जीरो रखो, यहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आता है ए बाई टू बी, दैट इज आर बाई टू। तो ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। इसको मैथ्स के लैंग्वेज में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट मिलेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली आर बाई टू होगा, रेंज का हाफ होगा। इसीलिए कहते हैं कि आइडियल कंडीशन में प्रोजेक्टाइल कर्व सेंटर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम हाइट है बिल्कुल बीचों बीच मिलता है, आर बाई टू पे मिलता है। तो एक्स की ये वैल्यू अब मैं यहाँ पिला के रख दिया। फिर हम लोग जानते हैं कि ये जो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट वाला, ये भी हमारे ट्रजेक्ट्री पे सिचुएटेड है। इसके कोऑर्डिनेट्स ट्रजेक्ट्री की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स से ट्रजेक्ट्री को सेटिस्फाई करवा दें। ये तुम्हारा इक्वेशन, वाई की जगह पे क्या लिखने वाले हो, कैपिटल एच, और एक्स की जगह पे ए बाई टू बी, एक्स की जगह पे ए बाई टू बी। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आता है स्क्वायर बाई फोर। बच्चों मैक्सिमम हाइट देखो आपने डिराइव कर लिया, ए स्क्वायर अपॉन फोर बी, देखो डिराइव हो गया। अब आगे देखो, वी नो फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, पिछले एपिसोड में मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन एक्स कंपोनेंट ऑफ टोटल एक्सलेशन दैट इज डी डी टी ऑफ बी एक्स बिकम्स जीरो। याद करो बच्चों, ए वाई की वैल्यू माइनस जी प्रूफ किया था और एक्स की वैल्यू जीरो प्रूफ किया था। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो होता है तो मैथ कहता है कि वो फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। आई मीन ये जो वी एक्स फंक्शन है इसको कांस्टेंट होना चाहिए। बच्चों मैंने प्रूफ कर दिया कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने का मतलब ये हुआ कि जितना ये शुरू में था उतना हमेशा बना रहेगा। और शुरू में ये यू एक्स था तो वी एक्स की वैल्यू हमेशा यू एक्स के इक्वल बना रहेगा, लेकिन यू एक्स की भी वैल्यू हम लोग डिराइव करेंगे थोड़ी देर में। बच्चों डेरिवेशन में आपको कॉन्वेटिक्स वॉल्यूम टू से पढ़ा रहा, यह डेरिवेशन आपको कॉन्वेटिक्स वॉल्यूम वन में नहीं मिलेगा, उसमें फार्मूले की समरी मिलेगी और उसका अप्लीकेशन मिलेगा। और जिस बच्चे को डेरिवेशन का शौक होगा उसको वॉल्यूम टू पढ़ना ही पड़ेगा, ये वॉल्यूम टू में ही सारे डेरिवेशन दिए गए। वी एक्स को डी एक्स बाय डी टी लिखते हैं, डॉट सिंबल में उसको एक्स डॉट लिखते हैं। हमें प्रूफ कर चुका हूँ कि ये कांस्टेंट होगा, डी एक्स बाय डी टी कांस्टेंट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी टी को इधर लेफ्ट साइड में लाता हूँ और एक्स डॉट को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। ये कुछ ऐसा बनेगा, फिर इंटीग्रेट करता हूँ। बच्चों मैं अभी तक ये सिखा चुका हूँ कि इंटीग्रेट करते वक्त जो लिमिट लिखी जाती है वो करस्पॉन्डिंग होती है। देखो मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि ये कांस्टेंट है, मगर ये तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की लोअर लिमिट ज़ीरो मतलब ओरिजिन, ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो और ओरिजिन पर टी का वैल्यू ज़ीरो। मैंने माना है कि ओरिजिन पर स्टॉप वॉच को स्विच ऑन करा है, तो ओरिजिन पर टी की वैल्यू ज़ीरो। जब वो एक्स एक्सिस से टकराएगा तो वहाँ के एक्सपोनेंट बढ़ के कैपिटल आर हो जाएगा, आई मीन रेंज के बराबर हो जाएगा, और वहाँ पे टाइम का रीडिंग बढ़ते बढ़ते टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी हो जाएगा। बच्चों डायग्राम मैंने समझाया था आपको कि दोनों लिमिट करस्पॉन्डिंग होते हैं, डी टी का इंटीग्रल टी होगा
एक्स डॉट कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लूँ, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होगा, लिमिट यहाँ लगा दूँ। फिर हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो एंड यह शुड बी कैपिटल आर माइनस जीरो। कैपिटल टी की वैल्यू आती है आर ओवर एक्स डॉट। क्वेश्चन नंबर टू, बच्चों एक्स डॉट का फार्मूला नहीं पता, कैपिटल आर तो फिर भी डिराइव हो चुका है, अगर मैं एक्स डॉट डिराइव कर लेता हूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा अपने आप डिराइव हो जाएगा, इसको इक्वेशन टू मान के चलो और आगे बढ़ो। ये बच्चों ये कैसा डेरिवेशन है, इसमें बहुत सारे स्टेप से घबराना नहीं, मैं धीरे धीरे सबको रिलेट करके समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा और ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है। अब मेरा मकसद एक्स डॉट को डिराइव करना, अब कैसे डिराइव करता हूँ ज़रा टेक्निक देखना, अगर तुम्हें मैथ में अच्छा लगता होगा, मैथ अच्छा लगता होगा तो तुम इसके डेरिवेशन को एंजॉय करोगे। देखो, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, पिछले एपिसोड में मैंने प्रूफ किया था कि वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशन ड्यूरिंग आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन इज माइनस। सिंबल्स में ए वाई को हम लोग लिखते हैं वाई डबल डॉट, सो वाई डबल डॉट इक्वल्स माइनस जी, इट्स अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन आपके क्वेश्चन में पहले से गिवन है, मान के चलो कि ये आपको मालूम है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ आएगा डिवाइड बाई डी टी, दैट इज वाई डॉट, ए को बाहर निकालो, यहाँ आएगा डी एक्स बाई डी टी एक्स डॉट, माइनस बी को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर को टी में करो, चेन रूल लगाओगे बच्चों, पहले एक्स स्क्वायर का तो 2x लिखोगे, फिर इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखोगे, तो डी एक्स बाई डी टी को दोबारा से एक्स डॉट लिख दोगे, अब एक्स डॉट दोनों जगह से कॉमन आएगा, ब्रैकेट में इतना बचेगा, ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। आप ऊपर प्रूफ कर चुके हो बच्चों कि एक्स डॉट एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, ऊपर प्रूफ कर चुके हो, तो तुम क्या करो, ये जो तुमने थर्ड इक्वेशन डिराइव किया है बोथ साइड को टाइम टी के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, इसको टी के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे ये वाई का सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा और ये डबल डॉट होगा, ये कांस्टेंट प्रूफ कर चुके हो, ये डिफरेंशियल के बाहर आएगा और ए का डेरिवेटिव जीरो आएगा, टू भी कांस्टेंट बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी एक्स डॉट होगा, बच्चों x डॉट इंटू x डॉट स्क्वायर होगा, यहाँ आएगा माइनस टू बी इंटू x डॉट स्क्वायर। ऊपर आपने y डबल डॉट की वैल्यू माइनस जी लिख के दिखाई थी तो उसको ला के यहाँ पे रख दो, माइनस को माइनस से कट करा दो, टू बी को ला के डिवाइड करो, बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लो, एक्स डॉट की वैल्यू आती है अंडर रूट जी बाई टू बी और एक्स डॉट को ही वी एक्स करते हो, मैंने प्रूफ किया था कि ये कांस्टेंट होता है। देखो बच्चों ये जो डिराइव करे हो कांस्टेंट दिख रहा होगा, अब ये फार्मूला लर्न कर लो, इसकी आपको आग में ज़रूरत पड़ेगी, अंडर रूट जी बाई टू बी इसको लर्न कर लो, ये हो गया आपका नंबर फोर। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बेचा थर्ड इक्वेशन को देखो, थर्ड इक्वेशन में y डॉट देखो इतना डिराइव करें, रिपीट करो, चाहो तो सिंबल बदल दो, y डॉट को भी वाई लिख दो, x डॉट का जो फार्मूला डिराइव करो यहाँ पर उसको यहाँ ला के पुट कर दो, तो आपने वी वाई का फार्मूला एज ए फंक्शन ऑफ x डिराइव किया, बाकी सब तो कांस्टेंट हैं और एक्स वेरिएबल है, तो वी वाई आपने डिराइव कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंपोनेंट आप डिराइव कर चुके हो, वी एक्स की वैल्यू डिराइव कर चुके हो,
सामने भी वाई की वैल्यू डिराइव कर चुके हो, ये दोनों भी मुझे डिराइव करना था और वो डिराइव हो चुका है। डन। आगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर, बच्चों इक्वेशन टू में आपने इसको प्रूफ किया था, इक्वेशन फोर में आपने इसकी वैल्यू इतनी प्रूफ करी है। कैपिटल आर की ये वैल्यू ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, एक्स डॉट अभी अभी निकाले हो, इसको पलट दो, रेसिप्रोकेट कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, टी का फार्मूला आता है अंडर रूट टू अपॉन बीसी, तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूला डिराइव कर लिया, ए अंडर रूट टू अपॉन बीसी। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट इज डन। नेक्स्ट डेरिवेशन देखो, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल्स दिस, एट द ओरिजिन आई मीन एट एक्स इक्वल जीरो स्लोप ऑफ द ट्रैजेक्टरी डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल्स टेन थीटा, ओरिजिन पे जो स्लोप होगा वो टेन थीटा होगा और थीटा होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और टेन थीटा स्लोप होगा जिसको कहोगे डिवाइड बाय डीएक्स। ओरिजिन पे डिवाइड बाय डीएक्स निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे, ये जो जनरल फार्मूला निकाले हो इसमें एक्स की जगह पे जीरो रखोगे, जब यहाँ जीरो पुट कर डालोगे इतना मिलेगा, और लेफ्ट साइड को टेन थीटा पुट कर डालो, ये तो जीरो ही होगा, ये बचेगा, तो टेन थीटा इक्वल से थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला डिराइव हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स से, हेंस प्रूफ वी नो दैट एट टी इक्वल्स टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी वेक्टर एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप। बच्चों हम लोग ये टू डायमेंशनल मोशन में पिछले एपिसोड में सीखे हुए कि जनरल वेलोसिटी को ऐसे लिखा जाता है, एक्स डॉट आई कैप रिपीट करो, वाई डॉट की ये वैल्यू आज डिराइव करे हो उसको यहाँ पे पुट करो, तो ये वेलोसिटी वेक्टर का जनरल फार्मूला आपने बनाया। अगर ये वेलोसिटी आपको ओरिजिन पे चाहिए तो एक्स की वैल्यू जीरो रखनी होगी, जहाँ एक्स दिखता है वहाँ जीरो रख दो। ओरिजिन पर इस वेलोसिटी का सिंबल बच्चों क्या था, यू वेक्टर था, इसको आपने डिफाइन किया था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे जीरो रख दो, बी की जगह पे यू रख दो, तो यू की वैल्यू देखो फर्स्ट टर्म इतना आएगा, सेकेंड टर्म में यहाँ पे जीरो रखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, सेकेंड टर्म जीरो हो गया, यहाँ मिलेगा ए इंटू एक्स डॉट इंटू जे का, रिपीट कर डालो, एक्स डॉट कॉमन ले लो। अगर आपको इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर का मॉड लेना आता है आपको, जो कॉमन स्केलर है वो रूट के बाहर हो जाता है, रूट के अंदर आई कैप जे कैप के जो कोएफिशिएंट हैं उनको स्क्वायर करके सम किया जाता है, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा प्लस ए स्क्वायर, और एक्स डॉट का फॉर्मूला जो ऊपर डिराइव हुआ है उसको ला के यहाँ रख दो और दोनों रूट को कॉमन ले लो, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तुम इसको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कर सकते हो क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है, यू का फॉर्मूला देखो डिराइव हो गया। डन प्यारे बच्चों, ये फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, ये दरअसल इसका डेरिवेशन हम लोग फिजिक्स में नहीं देते, इसका डेरिवेशन आपको मैथ में मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोई भी आर्बिटेरी कर्व होगा, तो आपके मैथ्स टीचर इसका डेरिवेशन बताएंगे कि किसी भी पॉइंट पर एक छोटा सा सर्कुलर आर्क लेकर एक सर्कल पूरा किया जा सकता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होता है और उसका ये फॉर्मूला होता है। बच्चों इसमें जो वाई प्राइम है वो डिवाइड बाई डी एक्स है, जो वाई डबल प्राइम है वो डी टू वाई बाई डी एक्स टू है। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो मेरे क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है ट्रेजेक्ट्री का, इसका वाई प्राइम निकालो, पहले भी निकाल चुके हो, डबल प्राइम निकालो, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, इसका जीरो होगा, यहाँ से आएगा माइनस टू बी, डबल प्राइम आ गया माइनस टू बी, दोनों की वैल्यू यहाँ ला के रख दो। देखो ये वाई प्राइम रख दिया, ये वाई डबल प्राइम मॉड के भीतर लिख दिया, मॉड ले लिया तो माइनस हटा दिया और इसको ऐसे लिख डाला। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स आपने कर लिया, न्यूमेरिकल्स में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, सो दिस इज डन। बच्चे जितने भी मैंने फार्मूले की समरी बताई थी आपको, वो सारे फार्मूले मैं आज डिराइव करके दिखा दिया आपको। अब आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है भाई, इस पर तो हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टाइल अबाउट द ओरिजिन, इस फिगर में किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया, सपोज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम ओरिजिन, टाइम डॉट्स जीरो, कोऑर्डिनेट्स आर 0,0। अब ये अपनी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए जा रहा है, एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम टी तुम्हारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल यहाँ से गुजरता है, आर्बिटरी कोऑर्डिनेट्स आर x,y, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल दैट इज डिनोटेड बाय v वेक्टर, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज m, और इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया जाए, ये उसका इंस्टेंटेनियस पोजिशन वैक्टर होगा, एट टी इक्वल्स टी ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस पोजिशन वैक्टर। तो बच्चों वैक्टर वाले चैप्टर में, अभी वैक्टर पे मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, बहुत सारे सीनियर बच्चे वैक्टर एल्जेब्रा पढ़े हुए हैं इसलिए मैं उसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हमारे 11th के जो बच्चे हैं मैं भी उसमें से बहुत सारे बच्चे वैक्टर ठीक से ना पढ़े हों, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं वैक्टर को भी ठीक से पढ़ाऊँगा। फिलहाल वेक्टर में ये आपको मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा तो दिखा दूंगा कि वेक्टर अलजेब्रा में किसी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट जो डिफाइन किया जाता है उसका एक फार्मूला होता है। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टाइल अबाउट द ओरिजिन, फार्मूला होता है बच्चों आर क्रॉस पी, P होता है इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम दैट इज एम बी, और ये होता है इंस्टेंटेनियस पोजिशन वैक्टर दैट इज आर। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है कि इसमें जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्रॉस के बाहर हो जाती है, ब्रैकेट मिलता आर क्रॉस बी। अच्छा हम लोग ये सीख चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल एक्सेलरेशन जी वेक्टर के बराबर होता है, और स्मॉल स्पेस में जी को कांस्टेंट माना गया था, तो जरूरत पड़ने पे गैलीलियो इक्वेशन इस्तेमाल होगा। बच्चों इस डायग्राम में यहाँ टाइम का रीडिंग जीरो है, यहाँ टाइम का रीडिंग टी है, तो जीरो से टी में जो पोजीशन वेक्टर है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यही पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होगा? डेल्टा आर की जगह पे मैं आर लिख सकता हूँ, पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन को जी वेक्टर लिख सकता हूँ और गैलीलियो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल कर सकता हूँ,
और डेल्टा आर की जगह पे वेक्टर आर भी लिख सकता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी यू लिख सकता हूँ। सोचो जरा, तो मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूँ जीरो टू स्मॉल टी, जीरो टू स्मॉल टी टाइम इंटरवल में मैं गैलीलियो सेकंड इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। डेल्टा आर की जगह प्यार लिख डाला, यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर वेक्टर नोटेशन में लिखते हो, एक जगह पे जी लिख डाला, और ये गैलीलियो फर्स्ट इक्वेशन जानते हो, क्या जानते हो बच्चों, v इक्वल्स यू प्लस जी टी जानते ही हो, एक ही जगह पे जी वेक्टर लिख डाला। अब ये जो ऊपर फार्मूला डेवलप हुआ है ये वेक्टर अलजेब्रा में आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। दरअसल बेटा ये डिटेल में आपको तो रोटेशनल डायनामिक्स में मिलेगा, अभी इसको रट के काम चलाओ। मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, इसको पढ़ा जाता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज एंगुलर मोमेंटम। इसको पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम और लिखते हैं आर क्रॉस पी। यहाँ तक आ चुके हो, रिपीट करो। आर की ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के ब्रैकेट में लिख दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे ला के लिख दो। वेक्टर अलजेब्रा में रूल होता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, यू टी क्रॉस यू जैसे अलजेब्रा में करते मल्टीप्लाई हो उसी तरह से मल्टीप्लाई यहाँ करो, लेकिन ऑर्डर मत बदलना। ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट लिखोगे, राइट में है तो राइट में लिखोगे, बीच में क्रॉस लगाओ। तो यू टी क्रॉस यू, फिर यू टी क्रॉस जी टी प्लस है, यहाँ प्लस मानोगे तो प्लस लिख लो, और सेकेंड टर्म हुआ तुम्हारा यू टी क्रॉस जी टी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, हाफ जी टी स्क्वायर क्रॉस यू, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, साइन दोनों का पॉजिटिव है तो पहले प्लस लिख डालो, हाफ जी टी स्क्वायर क्रॉस जी टी। बच्चों आप वेक्टर में पढ़ते हो कि ये जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो क्रॉस के बाहर निकल आता है, अगर इसको बाहर निकाल लोगे यहाँ आएगा यू क्रॉस यू, फिर एक ही वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जब क्रॉस लिया जाता है उसकी वैल्यू जीरो आती है। ये वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ तो ए क्रॉस ए जीरो, बी क्रॉस बी जीरो, एक ही वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस लेने पर उसकी वैल्यू जीरो आती है, क्योंकि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ना ए बी साइन थीटा ईटा कैप। ए क्रॉस बी में जो साइन थीटा होता है, जब एक ही वेक्टर ले लोगे तो दोनों पैरेलल माने जाएंगे, उनके बीच का थीटा जीरो होगा, तो साइन जीरो जीरो होने की वजह से ये जीरो होता है। अब बच्चों क्या हो रहा है, ये t इंटू t स्केलर है, ये t स्क्वायर बन गया और u क्रॉस g वेक्टर है, ब्रैकेट में लिख डाला। फिर बच्चों देखो ये है हाफ, ये है हाफ, अच्छा यहाँ पे तुम देखो t स्क्वायर और t को बाहर निकालो, ब्रैकेट में टी स्क्वायर इंटू टी को अगर बाहर निकालता हूँ, ब्रैकेट में आता है जी क्रॉस जी, जी क्रॉस जी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। यहाँ पे स्केलर को बाहर निकालू, बच्चों आप वेक्टर में पढ़ते हो टी स्क्वायर बाई टू को बाहर निकालो, यहाँ मिलेगा ब्रैकेट में जी क्रॉस यू। वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर प्लेस को इंटरचेंज कर दिया जाए एक नेगेटिव साइन बाहर आता है, इनके प्लेस को अगर कम्यूटेट करा जाए अंदर आएगा यू क्रॉस जी और एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा, और ये टर्म जीरो हो चुका है, सो जीरो लिख दिया। अब देखो बच्चों यू क्रॉस जी और यू क्रॉस जी कॉमन ले सकते हो,
यहाँ मिलेगा टी स्क्वायर, यहाँ मिलेगा माइनस टी स्क्वायर बाई टू, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई टू आएगा। पार्टिकल का मास यहाँ पहले से लिखा है, यू क्रॉस जी कॉमन ले चुके हो। एंगुलर मोमेंटम का बच्चों आपने पहला फार्मूला डिराइव कर लिया। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछे गए हैं और ये फार्मूला किस मकसद से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको अगले एपिसोड में समझ में आएगा। अभी कुछ भी करके आप डेरिवेशन पे कमांड करो कि ये कैसे डिराइव हुआ है। अपना दिमाग मत लगा लेना कि सर बोर कर रहे हैं या यूं ही पढ़ा रहे हैं या भौकाल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, जितना जरूरी उतना ही पढ़ाता हूँ, जरूर कुछ नहीं, ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल्स में और ये प्रोसीजर इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो ये पहला फार्मूला आ गया हाफ एम टी स्क्वायर यू क्रॉस जी, दिस इज फार्मूला नंबर वन। मुझको एक फार्मूला और सीखना पड़ेगा, फिर से वहीं से स्टार्ट करता हूँ जैसे किया था। टी इक्वल्स टी पे क्वेश्चन वेक्टर का जनरल एक्सप्रेशन टू डी मोशन में ऐसे लिखती हूँ, ये जनरल है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन ऐसे लिखती हूँ। एम इन टू आर क्रॉस वी निकालना है, एम को बाहर लिखो, आर क्रॉस वी की वैल्यू डिटर्मिनेंट मेथड से निकालो। तो डिटर्मिनेंट मेथड आप कैसे यूज करते हो, फर्स्ट रो में लिखते हो आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकेंड रो में पहले वेक्टर के तीन कंपोनेंट लिखते हो, तो पहले वेक्टर के तीन कंपोनेंट एक्स वाई और के कैप नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या माना जाएगा, जीरो। थर्ड रो में दूसरे वाले वेक्टर के तीन कंपोनेंट लिखते हो, यहाँ लिखोगे ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट को यहाँ जीरो मानो, जीरो लिख डाला। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको मैं वेक्टर में सिखाता हूँ, जो सीनियर बच्चे हैं वो लोग मैथ में भी पढ़ते हैं, अलजेब्रा में पढ़ लेते हैं, जो एलेवेंथ के बच्चे हैं उनको मैं वेक्टर वाले चैप्टर में सिखाता हूँ। ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिखा जाता है, फिर स्टार्टिंग यहाँ से होती है प्लस आई कैप। देखो एम तो पहले से बाहर है, उसको बाहर लिखो और एक बिग ब्रैकेट बनाओ, शुरुआत यहाँ से करो प्लस आई कैप, एक स्मॉल ब्रैकेट बनाओ और आई कैप जिस कॉलम में है उसको कैंसिल मानो, जिस रो में है उसको कैंसिल मानो। अब ये चार एलिमेंट बचेंगे। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का रूल होता है बच्चों, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू जीरो इज ज़ीरो, फिर माइनस लिखते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी आ गया ज़ीरो। सेकेंड टर्म यहाँ से शुरू होगा माइनस j कैप, फिर ब्रैकेट बना दो, j कैप जिस रो में है कैंसिल मानो, j कैप जिस कॉलम में है कैंसिल मानो। दो टर्म यहाँ बचेंगे, दो टर्म यहाँ बचेंगे, पिछली बार की तरह पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, अगेन जीरो, फिर माइनस लिखो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, अगेन जीरो, सेकेंड टर्म डन। देन यू विल बिगिन विथ प्लस के कैप, सो यू पुट योर प्लस के कैप, मेक अ स्मॉल ब्रैकेट, के कैप कंटेंड इन फर्स्ट रो, के कैप कंटेंड इन थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉल रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल। अभी बचेंगे चार एलिमेंट, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू वाई डॉट, फिर माइनस लिखो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो एक्स डॉट इंटू वाई। बच्चों आपने देखा ये दो टर्म तो आपके जीरो हो चुके हैं, तीसरे टर्म को एम से मल्टीप्लाई कर डालो,
के कैप को यहां लिख डालो, ये कुछ ऐसा हुआ। वाई डॉट आप ऊपर डिराइव किए पड़े हो थोड़ी देर पहले, ये प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी के लिए वाई डॉट के वैल्यू इतने डिराइव आप करे हुए, तो इसको ला के रख दो। एक्स डॉट को रिपीट करो, वाई का इक्वेशन आपको पहले से मालूम है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले से मालूम है कि वाई की वैल्यू इतनी आती है। अब बच्चों इन दोनों से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेकर इसमें मल्टीप्लाई करो, और ये यहाँ पहले से मौजूद है। एक्स इंटू एक्स डॉट यहाँ से कॉमन लो, और एक्स इंटू एक्स डॉट यहाँ से कॉमन लो, एक्स इंटू एक्स डॉट को बाहर निकाल लो, फिर अंदर जो बचेगा कुछ कटेगा पीटेगा सिंप्लीफाई करो। बच्चों इतना तो आप कर ही लोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद देख लेना तुम ये छोटा सा एक्सप्रेशन इतना आएगा, यानी कि एल नॉट का ये जो फार्मूला है माइनस एम बी इंटू एक्स डॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू के कैप, बच्चों एल नॉट का ये फार्मूला नंबर टू है। बहुत ध्यान से देखो, मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा आपको, लेकिन डेरिवेशन के बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला नंबर टू कैसे डिराइव हुआ, प्रोसीजर फॉलो करो। एक और फार्मूला देखो, हम लोग जानते हैं कि एक्स डॉट को लिखते हैं डीएक्स बाय डीटी, और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कांस्टेंट होता है, हमें पहले से मालूम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, फिर इंटीग्रेट करो। लोअर लिमिट सीख चुके हो, टी का लोअर लिमिट ज़ीरो, उस वक्त आपका प्रोजेक्टाइल ओरिजिन पे था, एक्स की वैल्यू ज़ीरो। इसको हम लोग वेरिएबल लिमिट कहते हैं या इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। जब टाइम का रीडिंग टी हो रहा था उस वक्त पार्टिकल की पोजीशन एक्स कॉमा वाई थी, यहाँ वेरिएबल एक्स है तो केवल एक्स की लिमिट लिखी जाएगी, यहाँ वेरिएबल टी है तो टी की लिमिट लिखी जाएगी, दे आर करस्पॉन्डिंग। डीएक्स का इंटीग्रल एक्स होगा, ये कांस्टेंट है बाहर आएगा, डीटी का इंटीग्रल टी होगा, फिर लिमिट ऐसे ऐसे दिखाओगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, यहाँ टी माइनस जीरो करोगे, एक्स की वैल्यू आती है एक्स डॉट टी। और एक्स की ये जो वैल्यू डिराइव करे हो बच्चों, इसको इस फार्मूले में यहाँ पिला के रखो, देखो फिर स्क्वायर किया, आपने देखा एक्स डॉट पे क्यूब मिलेगा, फिर टी का स्क्वायर मिलेगा, तो टाइम टी का ये तीसरा फार्मूला हो गया। एंगुलर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ टाइम टी आपने इस तरह से डिराइव किया, दिस इज फार्मूला नंबर थ्री। कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ये तीनों फार्मूले काम आएंगे, मैं अप्लीकेशन करते वक्त ये आपको सिखाऊंगा। आज मैंने आपको इसका डेरिवेशन सिखाया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सेगमेंट है टफ सेगमेंट उसके सारे डेरिवेशन करा दिए। अब रह गया प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको न्यूमेरिकल कराया जाए, उसके बाद फिर सर्कुलर मोशन से वो किया जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट पिछले एपिसोड में और आज वाले एपिसोड में, थ्योरेटिकल पार्ट तो मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसमें कई तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ स्कूल लेवल के होते हैं, कुछ कंपटीशन लेवल के होते हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में इसके न्यूमेरिकल्स जितने भी, कुछ इजी होंगे कुछ टफ होंगे, कुछ जेई एडवांस के होंगे, कुछ जेई मेन के होंगे, कुछ नीट यूजी के होंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करता हूँ। और जब प्रोजेक्टाइल मोशन आप कन्विंस हो जाओगे अच्छी तरह से, काफ़ी कुछ आपको समझ में आने लगेगा अगले टर्न के बाद, तो फिर मैं सेकेंड पार्ट सर्कुलर मोशन पर आ जाऊँगा। अरे बच्चों मैं कहना चाहता हूँ
कि आज का एपिसोड बहुत मैथमेटिकल था। बहुत सारे बच्चे बोर भी हो रहे होंगे, कुछ को गुस्सा भी आ रहा होगा और कुछ तो इस वीडियो को देखना नहीं चाह रहे होंगे, और हो सकता है कि वो मुझे डिसलाइक भी करे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, मैं भी बहुत उलझनों से गुजरता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, 3 महीने पढ़ो, 4 महीने पढ़ो, मतलब एक साल तो वेस्ट ही चला जाता है। लेकिन दूसरे साल जब वही चीज़ हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत तेज़ समझ में आता है। लेकिन मैं भी आप ही की तरह था। इन सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है, जो ऑल इंडिया टॉपर्स होते हैं, आई मीन जिनके जे एडवांस में रैंक विद इन 500 होती है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। उनका कैचिंग पावर ये जो 1500, 2000, 4000 रैंक लाने वाले बच्चे होते हैं, उनके कंपेरिजन में विद इन 500 वालों का कैचिंग पावर ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो लोग जल्दी समझ लेते हैं और जल्दी अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो मे बी इस वीडियो को किस किस तरह के लोग देख रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या पता इंडिया टॉपर भी इस वीडियो को देखे, तो वो बच्चा बहुत तेज़ समझेगा और वो हैप्पी हो जाएगा, डेरिवेशन देख उसको गुस्सा नहीं आएगा और मे बी वो मेरे वीडियो को लाइक करेगा। लेकिन जो बच्चे देर से समझते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गुस्साए नहीं, पेशेंस बनाए रहें और एक बार नहीं, दो बार, 3 बार पढ़ें, और जब न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो काफ़ी कुछ आपको ईजी लगना शुरू हो जाए। सो सी यू अगेन, मैं फिर अगले एपिसोड में प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल के साथ आपसे मिलता हूँ। एंड थैंक यू अगेन एंड गुड नाइट।